सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसको एंड तक जरूर से देखिएगा। इसी के साथ में, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए और अगर आप लोगों को इंडियन रेलवे से रिलेटेड ऐसे ही टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। 28 अप्रैल को मैंने वो जो वीडियो है वो पब्लिश करी थी। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो उसको अभी आप लोग आई बटन के ऊपर क्लिक कर देख सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से सिर्फ मई के महीने में कितना काम हुआ है इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और ये सारी जो अपडेट्स हैं ये मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं NHSRCL के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के बेसिस पर। वहां पर जो ट्वीट्स निकल कर आए हैं वो सभी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो फटाफट से मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या हमारे पास में अपडेट्स निकल कर आई है मई के महीने के लिए। NHSRCL का इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पहला ट्वीट निकल कर आया वो निकल कर आया 11 मई के दिन, जहां पर NHSRCL ने बताया कि गुजरात दादरी और नगर हवेली में टोटल 14 ब्रिजेस जो है इनका कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। और इसके जो पोटेंशियल बिडर्स हैं इनके साथ में जो है प्री बिड मीटिंग जो है ये कंडक्ट करी गई थी, जहां पर जितने भी डिस्कशन है ये हुए और इसी के साथ में जो भी बिडर्स हैं उनके जो कंफ्यूजन थे ये सभी क्लियर करे गए इस मीटिंग में। बहुत ही जल्दी टेंडर्स जो है ये फ्लोट हो जाएंगे और आप लोगों को ये जो 14 ब्रिजेस हैं इनका काम जो है ये शुरू होता हुआ दिख जाएगा। इसके बाद में जो अगला ऑफिशियल ट्वीट निकल कर आया वो आया 13 मई के दिन, जहां पर बताया गया कि देवधा से लेकर अंबेठा के बीच में जो हमारी हाई टेंशन लाइन है इसमें टावर इरेक्शन का काम और यूटिलिटी शिफ्टिंग का जो काम है इसको शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो काफी सारी जगह से पास होकर निकलने वाला है। ऐसे में ये जो टावर्स हैं ये इस प्रोजेक्ट के बीच में आ रहे हैं तो इनको शिफ्ट कर दूसरी जगह लगाया जा रहा है। और ये जो पर्टिकुलर काम है ये शुरू हुआ है नवधारी में। और इसी के साथ में 17 मई को वापस से एक और ऑफिशियल ट्वीट जो है ये किया गया और जहां पर बताया गया कि सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आने वाला हमारा जो मुलंद विलेज है यहाँ पर लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस इसको वापस से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि COVID-19 की वजह से काफ़ी सारे काम जो है इफेक्टेड चल रहे थे। ऐसे में लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है ये भी कहीं ना कहीं रुक गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस है इसको वापस से रिज्यूम कर दिया गया है। इसके बाद में 18 मई को ट्वीट करके बताया गया कि भरूच के पिपलिया विलेज में जो टावर इरेक्शन का काम है, जो यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया, वो वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। यानी कि वहाँ पर भी जो हाई टेंशन लाइन्स हैं इनको मूव कर दूसरी जगह लगाया जा रहा है। इसके बाद में 26 मई के दिन एक और ऑफिशियल ट्वीट निकल कर आया, जहां पर बताया गया कि वडोदरा की अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम है इसको वापस से रिज्यूम कर दिया गया है। अब ये कंस्ट्रक्शन का वर्क किससे रिलेटेड है इसके बारे में स्पेसिफाई नहीं किया है, क्योंकि अभी आप लोग यहां पर ट्वीट देख सकते हैं अच्छी तरह से, इसमें नहीं बताया कि ये जो काम है किस तरह का हो रहा है। यानी कि यहां पर इस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बन रही है, यार्ड बन रहा है, इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक जो चीज़ है ये मेंशन नहीं करी गई है। लेकिन ये बताया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है इसको वापस से रिज्यूम कर दिया गया है वडोदरा की काफ़ी सारी लोकेशंस के अंदर। इसके बाद में NHSRCL की तरफ से 27 मई के दिन में टोटल 2 ऑफिशियल ट्वीट जो हैं ये निकल कर आए, जिसमें से पहले ऑफिशियल ट्वीट के अंदर बताया गया कि साबरमती में जो टर्मिनल हब बनने वाला है इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसको शुरू कर दिया गया है। इस ट्वीट के साथ में 2 इमेजेस जो हैं ये भी पोस्ट करी गई थी, जो कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और उसमें मेंशन किया गया था कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इस काम को मैनेज कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके बाद में जो दूसरा ट्वीट निकल कर आया वो भी अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और उसमें लिखा है कि करचिया में जो यार्ड रिमॉडलिंग का काम है इसको शुरू कर दिया गया है, और इसी के साथ में हमारे जो हाई टेंशन वायर हैं या फिर हमारे जो OHE वायर्स हैं इनको भी यहाँ से जो है शिफ्ट कर दूसरी जगह लगाने का जो काम ये शुरू कर दिया गया है। लास्टली दोस्तों, यहाँ पर 29 मई के दिन में एक लास्ट जो ट्वीट है वो निकल कर आया इस प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि नवसारी में यहाँ पर जो टावर इरेक्शन का काम है, जो यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम है ये किया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड ही जो ग्राउंड इमेज है वो शेयर करी गई थी, जो कि अभी आप लोग यहाँ पर पास में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी COVID-19 की सिचुएशन है इसीलिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। उम्मीद मैं करूँगा कि जून के महीने में और ज़्यादा काम जो है हम लोगों को देखने के लिए मिले। इसके बारे में जो वीडियो है आप लोगों को मिल जाएगी जुलाई के महीने में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जून के महीने में कितना काम हुआ है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो उसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इसी के साथ में दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है और आगे जाकर भी अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
के साथ में दोस्तों, अगर आप लोगों को ट्रैवल ब्लॉगिंग वगैरह देखना पसंद है तो आप लोग व्हील्स ऑफ लाइफ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एक बार जाकर जरूर से इस चैनल को चेकआउट कीजिएगा, कंटेंट देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे इमर्जिंग क्रिएटर हैं, अगर क्वालिटी आप लोगों को थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लगती है तो भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। आने वाले टाइम में आप लोगों को इस चैनल के ऊपर काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिलने वाला है।